अच्छा यार, अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है जो सेट और मैट्रिसेस के अंदर कंबाइन है। कहने का मतलब कि सेट के अंदर भी आपके पास कोई 15-20 टाइप्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब उतनी टाइप हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, वो भी देख लेंगे हम। ई कैट के अंदर पूछी जाती है, और मजे की बात बताऊँ, वो सारी टाइप्स आपकी बुक में मैंशन है, लेकिन आपने कभी ज़िंदगी में नाम सुने नहीं होंगे, मेजॉरिटी स्टूडेंट नहीं सुने होंगे उनके नाम, क्योंकि वही मैंने मसला बताया ना कि बोर्ड में नहीं आते, बस यही मसला है हर चैप्टर के अंदर। तो ये सारी टाइप जो है मैं कोई आसमान से नहीं बताऊंगा, या मैं कोई हार्ड कैलकुलस की बुक से नहीं बताऊंगा, ये वही टाइप्स हैं जो आपकी बुक में सारी मैंशन हैं। तो सेट के अंदर और मैट्रिसेस के अंदर बड़े दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इनकी टाइप्स होती हैं। इससे काफ़ी एमसीक्यूज बन रहे होते हैं, सेट की डिफरेंट टाइप्स से रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं, इसी तरह मैट्रिसेस जो है उससे रिलेटेड भी। मैट्रिसेस के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसके अंदर 15-20 टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। तो इन दो चैप्टर में ये बात कॉमन है, इसको जहन में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। तो टाइप्स डिस्कस करते हैं, तो कुछ तो यार बच्चों वाली हैं, ज़्यादातर आपको पता है, जैसे फाइनाइट सेट की मैं बात करूँ, फाइनाइट सेट वो होता है जो ख़त्म हो गया, जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4। या अच्छा, स्टूडेंट समझते हैं कि फाइनाइट का मतलब ये कि उसमें डॉट डॉट नहीं आते, डॉट डॉट आ सकते हैं, असल चीज़ है कि आखिर में क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं डॉट डॉट लिख के 1000 कर दूं, तो अभी भी ये फाइनाइट ही है, ठीक है। तो डॉट 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 ये नहीं आप जज करते, आप ये देखते हो एंड पे क्या आ रहा है। अगर एंड में डॉट आ रहे हैं इसका मतलब इनफाइनाइट है, अगर एंड में कोई नंबर आ रहा है इसका मतलब वो ख़त्म हो गया, तो इस वाले सेट को आप फाइनाइट सेट बोल दोगे। ये बाय द वे जो डॉट होते हैं ना, इनको आप कहते हो एलिप्सिस। सबसे बड़ा मसला इंटर की टीचिंग में ये होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, आप एक्स्ट्रा नॉलेज बता ही नहीं सकते, वरना बड़ा दिल चाहता है बातें बताने का। लेकिन खैर, इसको आप ज़रा सर्च कर लेना, मेरा काम है बस जो जिनको शौक होता है ना नॉलेज हासिल करने का, मैं उनको रास्ता दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद थोड़ी सर्च करोगे ना नॉलेज अच्छा हो जाएगा। और ये तीन ही लिखते हो आप, ज़्यादातर स्टूडेंट को मज़ा आ रहा था डॉट डालते, वो 5-10 पूरे डॉट लिख रहे होते हैं, तो असल तरीका जो है ये 3 डॉट लिखते हो जो शो करते हैं कि भाई ये पैटर्न चलता जा रहा है पूरा, तो ज़्यादा डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ इनफाइनाइट सेट, इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट वो वाले होते हैं, आपको पता है भाई, सिंपल सी बात है, जो ख़त्म नहीं हो रहे, ये इन्फिनिट सेट हो गया, ठीक है। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा सेट जो है उसको आप कहते हो सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, सबसे छोटा सेट होता है ये। जैसे एग्जाम्पल ले लो 1, ये एक सिंगलटन सेट है। ये मैं लिस्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ आपको, अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी ये तो टेबुलर फॉर्म है ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में भी सिंगलटन सेट से पूछा जाता है आपसे। जैसे ये बहुत ही मशहूर एमसीक्यूज है, आपको पास पेपर्स में अपने और एनएडी में नजर आएगा कि एक सेट लिखा होगा, ये सेट लिखा होगा, और आपसे बोलेंगे भाई ये बताओ सेट क्या है, तो ये सेट सिंगलटन है। कैसे पता चला? ये जो सेट ए है ये एक्स के बराबर है, अब एक्स के बारे में बात बताई जा रही है सच दैट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 2, मतलब एक्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर आप निकालोगे -2 आएगी, और दिखने में भी आपको लग रहा है जब आप एक्स की जगह -2 पुट करोगे तो -2 + 4 2 हो जाएगा लेफ्ट राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसका मतलब x जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इस इक्वेशन को सिर्फ एक ही नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, ज्यादा नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो हकीकत में सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है? इस सेट के अंदर -2 है बस। कैसे? क्योंकि सेट ए एक्स के बराबर था, और इस इक्वेशन के मुताबिक एक्स ए की एलिमेंट है -2, तो आपने -2 लिख दिया। तो अब ये वाला कौन सा सेट बन जाएगा? सिंगलटन सेट बन जाएगा। तो टेबुलर फॉर्म में भी आपसे सिंगलटन सेट पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये वाली फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में काफी नजर आती है। तो इस फॉर्म में भी आपसे सिंगलटन पूछा जा सकता है, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हो सकती है? ऐसी चीज जो एक हो, लिख दो भाई प्रेजिडेंट, करंट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक ही प्रेजिडेंट है, या आप करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक ही प्राइम मिनिस्टर है हमारा,
तो जिसके आंसर में ए कोई आ रहा है। अब आप काफ़ी एग्जाम्पल बना सकते हो, मेरे जहन में कुछ और नहीं आ रही, आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोल दो जिसके अंदर ए की एलिमेंट है। द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम, बाबर आजम, ए की है, दो कैप्टन नहीं मिलेंगे आपको। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो आया हुआ है तो इसमें भी आप सिंगलटन सेट को शो करते हो। तो कैप्टन ऑफ पाकिस्तान या करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये सब क्या है, सिंगलटन सेट है, इसके अंदर ए की एलिमेंट है। उसके बाद कौन से हैं जरा मैं देख लूं, मेरे ख्याल में इक्वल होगा इसके बाद, नहीं इसके बाद नल है, द ऑर्डर मैटर नहीं करता, वैसे ही मैंने अपने पास लिखे हैं। नल, नल भी बोलते हो आप इसको, एम्प्टी भी बोलते हो और वॉइड भी बोलते हो। नल और एम्प्टी काफ़ी मशहूर वर्ड है, वरना इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। अब अगेन वही बात है कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता इसको सेट बोलना, मजबूरी में बोलना पड़ता है इसको। और इसकी डेफिनेशन भी बताई जाती है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और बेहतर स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई तो कलेक्शन क्या हुई, तो मैंने शुरू में इसका जवाब दे दिया था, दोबारा उसमें हम नहीं जाते। तो नल सेट का सिंबल क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो सिंबल इसके पता होने चाहिए, नल सेट के लिए आप ये दो सिंबल यूज़ कर सकते हो, या इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपके पास आ सकती हैं। जैसे टेबलर, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ज़्यादातर ये पूछी जाती हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि एक्स जो है इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, और आगे मैं लिख दूँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यह आपके पास एक सेट आया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है सेट क्या है, सिंगलटन है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, नल है, ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे। तो आप कैसे पता करोगे, देखो सेट ए जो है ये एक्स के बराबर है। अब x के बारे में बताया जा रहा है कि सच दैट x स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और देखो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। प्लस वन को तो ले जाओ माइनस वन, जब आप दोनों तरफ रूट लोगे तो जब आप रूट लेते हो प्लस माइनस आता है, और माइनस वन का आपने रूट लेना है। अब माइनस वन का रूट ले ही नहीं सकते आप, ये तो कॉन्सेप्ट चला जाएगा इमेजनरी में। और आगे उन्होंने मैंशन कर दिया था x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसके आंसर में क्या आएगा, दोनों इमेजिनरी नंबर आएंगे। इसका बाय द वे आंसर होगा प्लस माइनस आयोटा, तो आयोटा और माइनस आयोटा ये दोनों रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब ऐसी कोई भी रियल एक्स वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर ये वाली शर्त ना होती ना, तो अब इस सेट के अंदर दो एलिमेंट आ जाते हैं भाई, आयोटा और माइनस आयोटा। लेकिन आगे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो सेट को आप क्या बोलोगे, नल सेट बोलोगे, किसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो इतना पूछते नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछ सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया में ये वाला सिस्टम नहीं होता ना, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाला, उसमें बादशाह वाला सिस्टम होता है, तो उसमें तो कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, तो उसका मतलब नल सेट है, कोई भी नहीं है, बादशाह बने हुए सारे के सारे वहाँ पे। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आप कंसिडर कर सकते हो नल सेट को। अच्छा जी, अब आपके पास डेफिनेशन है इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होते हैं, देखो इक्वल सेट वो वाले सेट होते हैं कि अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप 1 2 3 लिखो, आप 3 2 1 लिखो, आप 3 1 2 लिखो, कुछ भी लिख दो आप, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन सेट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए कोई, रिपीट ना हो बाकी आप जिस भी ऑर्डर में लिखना है आप लिख दो उस ऑर्डर में। तो इक्वल सेट वो वाले सेट होते हैं जिसके अंदर सेम एलिमेंट होते हैं। बहुत ईजी एग्जाम्पल है कि कंसिडर कर लो एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 3 2 1। मैंने बताया ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपने देखना एलिमेंट्स क्या हैं। इसके अंदर भी 1 2 3 है, इसके अंदर भी 1 2 3 है, इसका मतलब ए जो है ये बराबर है बी के, तो इसको आप बोल दोगे इक्वल सेट। तो ये डेफिनेशन हो जाती है इक्वल सेट की। अब इसके फौरन बाद हम एक कंफ्यूजिंग पढ़ेंगे डेफिनेशन, और वो होती है इक्विवेलेंट की। इतनी भी कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं तभी एक साथ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इक्वल सेट के अंदर मैंने डिस्क्राइब किस तरीके से किया था, मैं अपने वर्ड्स के बारे में ना काफ़ी कॉन्शियस होता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे वो होते हैं ना नीचे मैथमेटिशियन कमेंट कर रहे होते हैं, सर ये बोल दिया वो बोल दिया, तो मैं काफ़ी सोच समझ के बोल रहा होता हूँ ताकि उनको मौका ना मिले। तभी मैंने बोला था कि इक्वल सेट के अंदर सेम एलिमेंट होते हैं, जो इसके अंदर एलिमेंट है सेम वही एलिमेंट होते हैं, जबकि इक्विवेलेंट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। कहने का मतलब सेट ए के अंदर है 1 2 3,
सेट बी के अंदर है ए बी सी। अब ये इक्वल तो नहीं है, इक्वल की डेफिनेशन क्या थी, सेम एलिमेंट होने चाहिए। दिखने में लग रहा है एलिमेंट सेम तो है ही नहीं, ये नंबर्स हैं, ये अल्फाबेट है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसके अंदर भी तीन एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी तीन एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ इनकी डेफिनेशन में ना नंबर ऑफ का फर्क है। इसको हम बोलते हैं सेम एलिमेंट और इसको हम बोलेंगे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये दो सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल भी होगा, उल्टा बोल दिए, जो इक्वल सेट है उसको आप इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। ये दोनों इक्वल थे तो ये इक्विवेलेंट भी हैं, क्योंकि एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही रहेंगे ना इसके अंदर, तो ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। और सिंबल आप क्या यूज करते हो इसके लिए, ए और ये वाली पूरी चीज यूज कर रहे होते हैं, वेव बनाते हो पूरा, तो ये सिंबल शो करता है इक्विवेलेंट सेट को। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि दोनों में सेम अल्फाबेट हो? तो फिर तो वो इक्वल हो जाएगा ना, तो फिर तो वो इक्वल हो जाएगा अगर सेम अल्फाबेट हो गए। हाँ, नंबर सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि n ऑफ a और n ऑफ b, n का मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मुझे बताओ n ऑफ a क्या है? नहीं, अच्छा मुझे पहले ये आंसर बताओ ना, n ऑफ a क्या होगा, इसका आंसर पता है? इसका आंसर ये होगा कि a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, अब बताओ। सही है। और अब n ऑफ b बताओ? थ्री है। तो देखो इसमें मैटर नहीं करता, मैं एग्जांपल को इस तरह भी कर सकता हूँ, a को मैं कर दूं भाई, मैं नाम लिख दूं कुछ भी, या चलो ए बी सी कर देते हैं, और मैं b को लिख दूं अल्फा बीटा गामा, ये मैटर नहीं करता अगर मैंने यहाँ पे ए बी सी यूज की। मुझे जहां तक समझ आ रहा है तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर एक के अंदर ए बी सी है तो दूसरे के अंदर भी सी डी ई हो जाए, सेम टाइप के हों, ये कहना चाह रहे हो ना? नहीं, सेकंड में ए बी सी नहीं हो सकता, वो तो फिर इक्वल हो जाएगा ना। अगर तुम कहना चाह रहे हो सेकंड के अंदर भी हो जाए, तो आप इसको इक्वल भी बोल सकते हो, इसको इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली आप इसको इक्वल बोलोगे क्योंकि एलिमेंट सेम हो गए। लेकिन मैंने तभी कहा था इसको भी इक्विवेलेंट बोल सकते हो। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब अगर इसमें देखो, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तीन तीन है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो जितने इक्वल हैं उनको आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो, इसी तरह इसको भी इक्विवेलेंट बोल सकते हो। बस नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो मैंने नंबर लिखा है ना, ये दोनों सेम होने चाहिए बस। अब वो ए बी सी डी है, अल्फा बीटा गामा है, किसी फ्रूट के नाम है, वेजिटेबल्स के नाम है, किसी भी चीज के हैं, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद जो सेट की बैकबोन है, अभी टाइम तो नहीं हुआ ना इतना, बस 10 मिनट और पढ़ लेते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। सेट की बैकबोन जो है सबसेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है सबसेट। ज्यादातर लोगों को शायद पता हो या एग्जैक्ट पता ना हो, हल्का फुल्का बताओ। सबसेट ये होता है कि अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद है तो बस वो सबसेट बन गया। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है कि अगर एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, और एक सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट है 2, 1, 3, तो आपने देखना है कि सेट ए के एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, मौजूद है। ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी के अंदर मौजूद है, तो आप लिख सकते हो ए इज अ सबसेट, ये सबसेट का सिंबल होता है ऑफ बी, ठीक है। बस ए के एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होने चाहिए सारे, तो आप बोलोगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, यहां पे क्या आप ये बोल सकते हो बी इज अ सबसेट ऑफ ए? नहीं बोल सकते, क्योंकि बी के अंदर एलिमेंट है 2, 1, 3, मतलब वही 1, 2, 3 है, और ए के अंदर 1, 2, 3 नहीं है, ए के अंदर बस 1, 2 है, 3 नहीं है, तो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये नहीं आप बोल सकते, लेकिन आप ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोल सकते हो क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। ये एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है सबसेट की। सबसेट से रिलेटेड आपको दो तीन पॉइंट पता होने चाहिए कि जो एम्प्टी सेट है,
ये हर सेट का सबसेट होता है। अच्छा, उससे पहले सबसेट निकालने का तरीका देख लो। अगर आपको मैं बोलूं कि कोई भी एक सेट है उसके सबसेट निकालने हैं आपको, जैसे एक सेट कंसीडर करते हैं 1 2 3, आपको इसके सबसेट निकालने हैं। तो सबसेट, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाकी डेफिनेशन में हेल्प करेंगी, सबसेट निकालने का तरीका आई गेस सबको आता होगा ज़्यादातर, कि इसके सबसेट, सबसे पहले आप एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाओ, 1 लिखो, 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर आप दो दो एलिमेंट की बनाओ, 1 2। अच्छा, 2 1 नहीं कर देना, ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 2 लिखो या 2 1 लिखो एक ही बात होगी, तो ये नहीं अलग से आप 2 1 लिख दो, फिर 1 3 लिखो, इसी तरह 3 2 लिखो, ठीक है। कितने बन गए? ये बन गए हैं 6, ठीक है। तो जब आप किसी सेट के सबसेट निकालते हो, तो मैंने सही किया या गलत किया है? ये देखो, तुम लोगों का वो लेवल देखो, ये सबसेट का बहुत बेसिक सवाल है और तुम लोगों का ऑलमोस्ट लेवल अब यूनिवर्सिटी वाला होने वाला है ना, यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। तुम लोगों को ये नहीं पता मैंने इसमें मिस्टेक क्या की है। माशाल्लाह, मेरे ख्याल में 15 16 कितने बच्चे हैं? 2 3 है, 2 3 आएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता ना मेरे भाई, 3 2 लिखो, 2 3 लिखो, 1 2 3 आएगा। हाँ हाँ, ये दो लोगों ने आंसर आधे आधे दिए हैं, एक तो 1 2 3 आएगा और दूसरा यहाँ पे नल सेट आएगा। तो यही मैंने अगला पॉइंट क्लियर करना था कि जो नल सेट होता है ना, वो हर सेट का सबसेट बन जाता है। इसी तरह जो हर सेट अपना खुद सबसेट होता है, क्योंकि अगर आप इस सेट को देखो, इसके जितने एलिमेंट हैं वो इसके अंदर मौजूद है ना, तो आप इसको सबसेट बोलोगे बिल्कुल। तो जो बाकी है वो तो हमने नॉर्मल तरीके से निकाल ली है, दो हर एक के लाजमी होंगे, एक एम्प्टी होगा और एक वो सेट खुद अपना होगा। ये नॉन एम्प्टी सेट की मैं बात कर रहा हूं, जो एम्प्टी सेट है उसका तो एक ही सबसेट है। ये भी एमसीक्यू चलो देख लो कि एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होता है और वो खुद मतलब एम्प्टी होता है और कोई भी नहीं होता। लेकिन बाकी जितने नॉन एम्प्टी सेट है, कंसीडर कर लो सिंगलटन सेट, इसके दो सबसेट आएंगे, एक सबसेट होगा इसका एम्प्टी और एक ये अपना खुद होगा, ठीक है। और इससे अगर कोई सिंगलटन से ग्रेटर कोई सेट होगा, दो एलिमेंट तीन एलिमेंट, तो उसके सबसेट पढ़ते जाएंगे। और आप मालूम किस तरह करोगे, उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, आप लोगों को ज्यादातर पता होगा, 2 की पावर n, वेयर n क्या होता है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। जैसे यहाँ पे इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 3 8, तो आपके पास 8 सबसेट आ गए थे यहाँ पे। अगर एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर 16 आ जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, और सबसेट से रिलेटेड क्या पॉइंट है, एक तो निकालना किस तरीके से, उसके बाद कैलकुलेट किस तरह करोगे कि सेट के अंदर कितने सबसेट हैं, उसके बाद ये पॉइंट देख लिया आपने कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, फिर आपने चौथा पॉइंट ये देखा कि जितने भी नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट हो उनके अंदर, तो उनके कम से कम दो तो होते हैं, एक वो खुद होंगे और एक एम्प्टी सेट होंगे। तो ये 4 पॉइंट तो मैंने बता दिए सबसेट से रिलेटेड। अब इसके आगे जो है ना, वो इनकी टाइप्स है, सबसेट की दो टाइप्स होती है, एक को आप प्रॉपर बोलते हो, एक को आप इम्प्रॉपर बोलते हो, और वो आप इससे अच्छे तरीके से समझ जाओगे, तभी मैंने ये पूरे निकाले थे ताकि आपको डेफिनेशन समझ आ जाए। तो प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है। इम्प्रॉपर तो खैर बहुत ईजी है, प्रॉपर समझ लो। प्रॉपर ये होता है कि जैसे अभी आपने सबसेट की डेफिनेशन देखी है ना, कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद हो, उसको आप प्रॉपर बोल रहे होते हो, तो वही डेफिनेशन है प्रॉपर की, भी यही होती है। प्रॉपर की सबसे बेसिक शर्त ही ये है कि ए जो है वो सबसेट हो बी का, मतलब वो वाली शर्त तो कंप्लीट करनी करनी है कि ए के जितने एलिमेंट है बी के अंदर मौजूद हों, ये तो आपने पहले पढ़ लिया था। अब एक्स्ट्रा चीज़ ये होनी चाहिए कि बी के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आपने ऊपर जो देखो ना, ये प्रॉपर सबसेट है, मतलब सबसेट आप बोलोगे, सबसेट के अंदर इसको क्या बोलोगे, प्रॉपर बोलोगे। क्यों? ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्स्ट्रा है, 3 जो है वो ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, या ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट लाजमी होने चाहिए, तो उन वालों को आप क्या बोलते हो, प्रॉपर सबसेट बोल रहे होते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी, इसके प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हैं, जैसे 1 2, ये इसका प्रॉपर है क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर मौजूद है,
और इस वाले के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है, थ्री जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो आप इसको प्रॉपर सबसेट बोलोगे। इसी तरह ये वाला भी प्रॉपर है, थ्री टू इस सेट के अंदर मौजूद है लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा भी है वन जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसको भी आप प्रॉपर सबसेट बोलोगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग अपने पास लिख लेना, मैंने बता दी है कि सबसे पहली बात ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, दूसरी बात कि बी के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए ए से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाती है प्रॉपर सबसेट की। और अगर आप बात करो इम्प्रॉपर की, इम्प्रॉपर के अंदर डेफिनेशन ये होती है कि वही बात के सबसेट तो होना चाहिए कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि ए और बी बराबर हो आपस में। ठीक है, क्या मैंने बात बताई है कि इम्प्रॉपर सबसेट वो होते हैं कि सबसे पहले तो वो सबसेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना कि ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी के अंदर मौजूद होने चाहिए, और दूसरी बात कि ए और बी दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी और दूसरी बात ए इज इक्वल टू बी। इन सिंपल लैंग्वेज अगर कोई दो सेट इक्वल है ना तो आप उनको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हो। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिखी थी ए और बी की, तो आप इम्प्रॉपर सबसेट बोलोगे दोनों तरीके से। आप ये कह सकते हो ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सबसेट तो है लेकिन कौन सा वाला, इम्प्रॉपर। ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और आप ये भी बोल सकते हो बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। दोनों तरीके से आप बोल सकते हो क्योंकि ए के जितने एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद है और ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों तरीके से आप इनको प्रॉपर बोल सकते हो। अब आखिरी बात बता दूं, फिर सवाल पूछ लेना कि प्रॉपर इम्प्रॉपर में एक पॉइंट आपको जहन में होना चाहिए कि अगर आप किसी भी सेट के सबसेट निकालोगे, जैसे सेट था इसके आपने आठ सबसेट निकाले, ठीक है, तो इन आठ में से एक जो है वो इम्प्रॉपर होगा, बाकी सात जो है वो प्रॉपर हो जाएंगे। और आप एनालाइज भी कर सकते हो कि इसका जब आपने सबसेट निकाला तो आउट ऑफ एट ये एक वाहिद है जो इम्प्रॉपर है क्योंकि ये इसके इक्वल है, बाकी जितने भी हैं वो सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। तो कोई भी सेट है, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा सवाल है गौर से सुनना, एक सेट है जिसके अंदर छह एलिमेंट्स हैं, एक सेट है जिसके अंदर छह एलिमेंट्स हैं, तो बताओ उसके अंदर कितने प्रॉपर सबसेट हैं। 11, अल्लाह खैर करे। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक सेट है जिसके अंदर छह एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो बताओ उसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। 36 सबसेट 36 बनेंगे, और प्रॉपर कितने होंगे, 35। शुक्र है यार, एक बंदे ने सही जवाब दिया 63, वरना तुम लोगों पे अजाब आता जो तुम लोगों ने मैथ के साथ किया है। भाई पावर में लिखते हो ना 6, फॉर्मूला भी बताया तो 2 की पावर 6, 36 कहां से होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। हाँ, एक ने मल्टीप्लाई कर दिया 12 बोल दिया, एक ने पता नहीं 6 का स्क्वायर निकाल लिया था 36। अच्छा खैर, ज्यादा तुम लोगों की बेइज्जती नहीं करते। 2 की पावर 6 64 है, तो उस सेट के 64 सबसेट आएंगे जिसमें से 63 जो है वो प्रॉपर हो जाएंगे और एक जो है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो प्रॉपर का फॉर्मूला भी होता है, मतलब आप इस तरह लिख सकते हो कि 2 की पावर n माइनस 1, मतलब आप उसी तरीके से सबसेट निकालो, बस 1 माइनस कर दो तो आपके पास प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे, और इम्प्रॉपर तो एक ही होता है तो उसके लिए कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है। जो भी आप नॉन एम्प्टी सेट देखो उसका एक ही इम्प्रॉपर होता है, और जो एम्प्टी सेट है उसका भी जो एक सबसेट है वो इम्प्रॉपर है ना। अगर आपके पास कोई एम्प्टी सेट है इसका जब आप सबसेट निकालोगे तो एक ही सबसेट आएगा, मतलब एम्प्टी, तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट नल हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज आप लोगों की ब्रेक है। क्लास हमारी 3:05 पे ही थी ना, तो एक घंटे की ब्रेक, 10 मिनट में और क्लास ले लेता हूँ। पक्के तो नहीं हो तुम लोग क्या, अगर ब्रेक चाहिए तो बता दो, वरना 2-3 डेफिनेशन और कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर नल सेट भी प्रॉपर में काउंट होगा? हाँ
ये भी प्रॉपर ही होगा ना, इसको इस तरह समझ सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ये सेट कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन अगर आपने समझना है, मैं इस तरह समझता था इसको कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो कंसीडर कर लो उसके अंदर हवा है, ठीक है। तो इसके अंदर हवा है ना, मतलब डेफिनेशन क्या होती है, जो इस सेट के एलिमेंट है वो दूसरे के अंदर मौजूद होने चाहिए, तो इसके अंदर हवा है तो वो हवा ए के अंदर भी होगी, ए कोई वैक्यूम थोड़ा ना क्रिएट किया हुआ आपने, तो ए के अंदर भी हवा होगी, तो समझ लो कि भाई इसके जो एलिमेंट है ना, जो हवा है वो उसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए आप उसको इसको सबसेट बोलोगे, और क्योंकि हवा के अलावा बाकी एलिमेंट भी है ना, दैट्स वाई इसको प्रॉपर बोल दोगे, इस तरह समझ सकते हो। बाकी जो एम्प्टी सेट है, ये मैंने बताया धक्के से इसको सेट बनाया हुआ है, तो इसमें आपको काफ़ी मसला होगा,